हम देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, ये देखिए, ये हमारा है नॉर्मल स्टील, ये नॉर्मल स्टील है जहां पे आपको जंग लगने का चांस है, लेकिन आप इसके सामने यहाँ पे देखिए, ये हमारा है आपका मैराइन स्टील, ठीक है। इस दोनों में डिफरेंस आप देखेंगे तो आपसे पता चलेगा। और जो हमारा विशाखपट्टनम में वेंचर बन रहा है और उड़ीसा में जो वेंचर बन रहा है उसमें ई स्टील यूज होगा। ये 100 साल से भी ज्यादा का ये इसका लंजीविटी का ये है, लेकिन आप जैसे डाडी जी इसका प्रोसेस शुरुआत करेंगे तो आपको एक एक फोटो आपको नजर आएगा। इसके बाद हम दिखेंगे और एक चीज। देखिए, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमारा उसमें आपका विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट आप भेजे हैं, उनका भी बहुत सारे लोगों का ये आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों देख रहे होंगे, ये हमने स्क्रीनशॉट इसीलिए लेके रखे हैं, हम जब भी यहाँ पे INR लिखते हैं तो अपना INR जो भी अपना डिपॉजिट किए हैं उसका यहाँ पे लिखना है। और डेट ऑफ डिपॉजिट के लिए आप इस कैलेंडर पे जो है, इस कैलेंडर पे आप क्लिक कर लें इस पे, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बस आपने एक डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा चल जाएगा। ट्रांजेक्शन टाइप अब यहाँ पे जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेक्ट बैंक डिपॉजिट डेट, और उसके बाद आपका नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए अपना IMPS, UPI, NEFT सारा कुछ। उसका क्या करना है, आपका ट्रांजेक्शन आईडी नंबर देना है, ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी, रिमाइंड इट। और जो भी अगर कोई UTR नंबर दे दिए हैं तो उसके लिए भी डायरी बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, लेकिन इसे आपका ट्रांजेक्शन आईडी नंबर ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे सबमिट में जाएंगे, सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों के सामने ये जो हमारा सर है, ये वर्मा सर हैं, और ये आप हमारा जो दायित्वीय है उनके पास OTP और DTS और साथ में आपका वो है KTV, ये तीनों का तीनों इन्होंने पूरा ये लिया है सारे कुछ की बारे में, उनको इन्फॉर्मेशन अभी उसके पास ही हमारा सर के पास से हम मिलेंगे। या हमारा कुछ फोटो है कल का, और देखिए हमारा ट्रेनिंग कल जो हो रहा था, वो जो आए थे सभी लोग। और ये हमारा देखिए ये प्रोजेक्ट, जैसे हमारा ये वी टावर, BCG एक्सचेंज के DTS, के वॉच OTT, और ये हमारा के जेनो कंस्ट्रक्शन, के एक्सचेंज, माइनेट, KTV। और तो और एक चीज भी, आप लोगों को कल डैडी जी ने हमारा अनाउंस कर दिए हैं कि आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द हमारा बहुत सारे चीज आने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये इसका जो अपना इनवैलिड ट्रांजेक्शन, इसके लिए भी डैडी जी को हमने मैसेज पहुंचा दिया है, इसके ऊपर भी वर्क हो रहा है बहुत। आई थिंक टुडे और डे आफ्टर टुमारो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको ये देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे थे, एक सर ने मेरे को कल ये स्क्रीनशॉट भेजे हैं, उनका फोन डिपोजिट करके उनका यहाँ पे वो कॉइन बाय कर चुके हैं, ठीक है। ये सर का एक स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मुझे भेजा था कि सर मैंने कॉइन डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट करने के बाद मुझे फंड आ गया और मैं उसको फिर कॉइन बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारा जो पहला हमारा कीबो का आईडी है वो मैम का है, और एक नारी शक्ति है जिन्होंने पहले कीबो को शुरुआत किए हैं, और उनके पास जो कॉइन, स्टेकेबल कॉइन जो हम बोलते हैं आज का डेट में, आज लोग को मिलने वाला नहीं है, लेकिन दाढ़ी जी तरफ से कल एक मैसेज आया हुआ है, आप लोगों के पास आखिरी मौका है, जो अपडेट अपना गुरुजी ने दे चुके होंगे कल सभीदास सर ने। तो यहाँ पे देखिए जो मैम है उनके पास स्टेकेबल कॉइन है 3 करोड़, यानी 300 करोड़ स्टेकेबल कॉइन की अधिकारी है वो हमारा मैम। और इवो प्रोजेक्ट से लगभग उन्होंने 8 कार अचीव कर ली है, 8 कार लगभग, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 कार वो अपना सेविंग अकाउंट के दौरान थी ले गए थे, और 1 कार वो कोई स्पेशल कोई अपना अच्छा अचीवमेंट के वजह से, और ये 8 नंबर जो ये अपना कार ले लिए हैं। और वो कमिटमेंट किए हैं आने वाला दिनों में, वो दाढ़ी जी कमिटमेंट किए हैं आने वाला 1 साल के अंदर, ये जो अपना अगले साल आ रहा है इसी साल के अंदर आप सबसे हाईएस्ट
कार डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो अपना कीवो कंपनी करेगा, 5,000 कार वो भी बिल्कुल आपको नो ईएमआई, यानी आज जो ईएमआई देने के लिए लोग आज तरस रहे हैं, आज जो ईएमआई दे नहीं पा रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका है इस कार को अचीव करने के लिए। बस कुछ बड़ा नहीं है अभी तो डाडी जी, वो हमारा जो अभी के लिए जो अपडेट है कि हमारा जिस दिन ये विशाखापट्टनम वेंचर ओपन होगा, बहुत जल्द इसका भूमि पूजन वगैरह हो रहा है, और जिस दिन ओपन हो रहा है उस दिन आपके पास मौका है कुछ दिन के लिए, आप लोग आपके टीम से, आप सबसे पहला तो बोलना चाहूंगा, खुद खुद अगर एक फ्लैट का रेफरल देते हैं तो आपको फ्लैट में तो 25 लेवल से आपको कमीशन आएगा ही आएगा, और साथ में आपको वहां से एक आपको जो अपना पेंशन जैसे लेते हैं ना, सेम उसी प्रकार का एक मनी जनरेट होने वाला है, वो भी दोस्तों लगभग आपका 20 साल तक, एक फ्लैट से 20 साल तक आप अर्निंग ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक चीज बताना चाहूंगा, आप हमारा ये फ्लैट जैसे आप एक रेफरल देते हैं तो आपको एक वन प्लस का ब्रांडेड फोन वो भी पूरा चमचमाता हुआ पूरा आपको दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड, जैसे आपका आपका फर्स्ट लेवल में, आपका फर्स्ट लेवल में कैसे भी आपको दो लोग को आप मोबाइल अचीवर बना देते हैं, यानी वन प्लस मोबाइल अचीवर, तो आप लोग जो आप हैं सीनियर, आपको मिल जाता है आपको एक हीरो बाइक, ठीक है। उसके बाद आप जैसे ही आज के मतलब अभी के लिए जैसे कुछ समय के लिए हमारा जो इनोग्रेशन होगा उसी टाइम के लिए, जो भूमि पूजन वगैरह जैसे प्लाट हमारा बुक होने के लिए चालू होगा विशाखापट्टनम का, तो कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास मौका है, आपका टीम से थर्ड लेवल में जैसे 6 लोगों को मोबाइल अचीव करा लो या तो बाइक अचीव करा लो, तो वहां से आप लोगों को मौका मिल जाता है आपको एक चमचमाता हुआ कार लेने के लिए, वो ओनली फॉर जो हमारा इनोग्रेशन की वो टाइम के बीच में। और उसके बाद जो क्राइटेरिया रहेगा, 10 10 फ्लैट आपके थर्ड लेवल से रेफर हो जाता है तो आपको मिलेगा वहां पे डायरेक्ट कार, वो भी मारुति का एक्सप्रेसो, वो भी आपको आप लाइव दिख रहे हैं, जो हमारा मैम ये फास्ट कार अचीवर है, ये हमारा वी प्लाट का, ये हमारा पीछे जो लोगों दिख रहे हैं दोस्तों बहुत ही शानदार है, यहाँ से हमारा एयरपोर्ट जो है अभी है 8 किलोमीटर, और ये 3 वे होने के बाद, ये हमारा 3 वे हो जाएगा, 3 वे होने के बाद बहुत ही जल्द आप हो रहे हैं ये सारे प्रोसेस कंप्लीट, और भी बहुत जल्द इसका काम शुरू होने वाला है, तो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा हमारा एयरपोर्ट का दूर मतलब जो दूरी होगा वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का होगा, और अपना एनएच का दूरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर होगा, यानी आज से आप यहाँ से कोशिश कर लो। और ये डैडी जी ने बोले हैं जब आप अचीव करोगे, आपका घर चाहे मुंबई में हो, आपका घर गुजरात में हो, आपका घर जहीं पे ही हो वहीं पे आपका होम डिलीवरी होगा आपका घर, ये सबसे पहला और बेहतरीन अपडेट है। उसके बाद और एक चीज के बारे में बताऊंगा, जैसे हमारा बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टैकेबल कॉइन कमाने का मौका नहीं मिला उन लोगों को, तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है ओनली फॉर 5 मंथ के लिए, लास्टेस्ट 5 मंथ, वो जब चालू हो जाएगा डैडी जी बताएंगे उसका अपडेट आएगा, तो जैसे ही वो दे देंगे आपको, वहां से आप 5 मंथ के बीच में एक स्टैकेबल कॉइन कमाने का मौका मिल रहा है। कुछ स्टैकेबल कॉइन डैडी जी सीक्रेट रखे थे, इसीलिए उनको ही तो कहा जाता है डैडी जी, वो ज्यादा से ज्यादा स्टेकेबल कॉइन आप कमा सकते हैं अपना ओटीटी और डीटीएच के जरिए। और ये जो रेफरल आप कह रहे हैं ओटीटी और डीटीएच का, जिन लोग ने ऑलरेडी 100 डेज हो गया उसका अगले महीना अक्टूबर महीने से उनका कॉइन आना चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे माइनिड के लिए बहुत सारे लोग हमने क्या किए थे, हमारा 500 दे के हमारा अकाउंट ले लिए थे, हम माइनेड का अकाउंट एक्टिवेशन कर दिए थे, लेकिन जैसे देखा डाडी जी ने ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है इंडिया में नहीं वर्ल्ड में, तो उसने एक ऐसा आसान किया है, आपको जान से खुशी होगा, अब माइनेड के लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, जो लोग अभी तक माइनेड में नहीं आए हुए हैं वो लोग एक एक लोग आएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप 0 में आएंगे, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, और साथ में
आप जिन लोगों को लेके आएंगे वो लोग आपके साथ काम करेंगे, उनको भी वहां पे बेनिफिट दिया जाएगा, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी बताएंगे। और ऐसा भी बहुत सारा अपडेट है, और जितना सारा मेरा माइंड में आया और टाइम का ध्यान में रखते हुए आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। यह हमारा सबसे पहला जो हमारा कार अचीवर है, हमारा बी ब्लड का अरुणा मैम है, रेस्पेक्टेड मिस अरुणा मैम। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमारा है, ये टीवी का हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लिए हैं, हमारा जो अपना रेस्पेक्टेड हमारा बैनर्जी सर हैं, उनके साथ पास से ये भी है, वो अपना बी प्लॉट का सेकेंड अचीवर हैं। और इसके बाद आप लोगों के सामने ये जो फोटो है देख रहे हैं, ये सिन्नू सर हैं। सिन्नू सर ये थर्ड कार अचीवर मारुति एक्सप्रेसो कल डिलीवरी किया गया है। इन तीनों सर मैम, एक मैम और दो सर को हमारे तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद। और सभी से ही मैं आज बोलना चाहूंगा, आप लोग अगर कीबो में काम कर रहे हैं तो आप दिल से काम करिए।